हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू फ्रंटियर गेमिंग। मार्वल फ्यूचर फाइट रिलेटेड एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है उसमें हम लोग करने वाले हैं ग्रैमलिंग, सीटीपी ग्रैमलिंग नहीं और ना ही पी कार्ड ग्रैमलिंग, क्योंकि सीटीपी और पी कार्ड ग्रैमलिंग करने का मेरा कोई शौक नहीं है। क्रिस्टल उड़ाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है, वैसे भी 5755 क्रिस्टल्स बचे हुए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मतलब थोड़ा और ज़्यादा क्रिस्टल हो जाए ताकि ब्लैक फ्राइडे तक कम से कम 10,000 क्रिस्टल्स जमा कर सकूँ। बट वो होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है। बट एनीवे, तो आज का जो ग्रैमलिंग जो मैं करने वाला हूँ वो है आर्टिफैक्ट के ऊपर। ओके, आर्टिफैक्ट के ऊपर मैं ग्रैमलिंग करने वाला हूँ और देखने वाला कि कितना आर्टिफैक्ट्स मुझे मिलता है या किसी कैरेक्टर का कोई आर्टिफैक्ट मुझे मिलता भी है या नहीं, 4 स्टार हो, 5 स्टार हो या 6 स्टार हो। तो देखते हैं कि ये कोई मिलता भी है या नहीं, क्योंकि मैं आर्टिफैक्ट गेमिंग पहले कभी किया नहीं हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है। एंड वैसे तो ओमेगा फ्लाइट जो है उनको मैं हार्टिएस्ट थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये एक जो कॉन्सेप्ट एक कंटेंट है उस कंटेंट के बारे में रिकमेंड किया है कि भाई आप आर्टिफैक्ट के ऊपर एक ग्रैमलिंग करो। तो ओमेगा फ्लाइट, तो ये रो मैं आर्टिफैक्ट के ऊपर ग्रैमलिंग कर रहा हूँ और देखते हैं कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। और ये कंटेंट के लिए बहुत बहुत थैंक यू, हार्टिएस्ट थैंक यू तुमको कि आपने मुझे ये चीज़ बताया इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं स्टोर पे, तो यहाँ पे स्टोर पे जाने के बाद हम लोग जाते हैं डायमेंशन चेस्ट और यहाँ से हम आर्टिफैक्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस साइड में जैसे कि आप देख पा रहे हो 6816 सिलेस्टियल एसेंस है मेरे पास, और एज यू कैन सी अगर मैं 25 सिलेस्टियल एसेंस स्पेंड करता हूँ तो मुझे सिर्फ एडवांस आर्टिफैक्ट चेस्ट जो कि एक मिलने वाला है, और अगर मैं मुझे अगर 250 अगर मैं स्पेंड करता हूँ तो उसमें मुझे 10 एडवांस आर्टिफैक्ट चेस्ट मिलने वाला है। तो और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो जो आर्टिफैक्ट्स है 6 स्टार जैसे हल्क का है, जगरनॉट है, एब्सॉर्बिंग मैन, टाइटेनिया, मिस मार्वल, ब्लू ड्रैगन, सनबर्ड। तो देखते हैं ये, और अवेलेबल आर्टिफैक्ट्स की अगर देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, इवन विद द कैरेक्टर का जो भी आर्टिफैक्ट्स है, 3 स्टार वाला है, 4 स्टार वाला है, 5 स्टार भी है, एंड जो कि है सबसे हाईएस्ट जो है वो है 6 स्टार। सो बहुत से आर्टिफैक्ट्स है, अगर इन आर्टिफैक्ट्स में से कुछ ढंग का आर्टिफैक्ट्स मिल जाता है तो काफ़ी होगा। तो एनीवे, वैसे तो इन जैसे चीज़ों में वैसे भी मेरा हमेशा से चूतिया काटता आया है, एक मार्वल हमेशा से मैं चूतिया काटता आया है। तो देखते हैं कि इस बार क्या होता है। तो बिना किसी के काटे हुए चलो इस आर्टिफैक्ट्स वाले ग्रैमलिंग को चालू करते हैं। तो गाइस एंजॉय इट। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा मुझे सिर्फ 2 आर्टिफैक्ट मिले, उनमें से हॉकाई वाला मिला है, आई थिंक वो मेरे पास ऑलरेडी है,
एंड सरसी का मिला है, तो वो तो मेरे पास ऑलरेडी है। मतलब ये जो आर्टिफैक्ट ग्लैमरिंग वाला था वो मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहा। सो उम्मीद किया था कि कुछ और आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, बट द आरएनजी वाज सो बैड। और जैसे कि मैंने कहा था कि नेट मार्बल हमेशा से, जब भी मैं कोई ग्रैम्बलिंग करने जाता हूँ कि नेट मार्बल मेरा हमेशा से चूतिया काटता रहता है, तो लो कट गया मेरा। तो खैर कोई बात नहीं, इट्स फॉर फन। मुझे काफ़ी अच्छा लगा वैसे भी, कोई ऐसा नहीं है कि अगर मिले तो अच्छा, ना मिले तो ऐसा कुछ बात नहीं है। तो एनीवे, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल तो सब्सक्राइब कर देना। आई थिंक बहुत ही करीब हूँ अपने 1K सब्सक्राइबर के, तो हो सके तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड शो सम सपोर्ट, और थोड़ा बहुत मोटिवेट भी कर देना ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियोस ला सकूं। सो मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ। अनटिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।